रोमन सम्राट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको पूर्व में रोमन सम्राट का इतिहास, रोमन सम्राट का प्रारंभिक इतिहास, रोमन सम्राट की भौगोलिक स्थिति, रोमन सम्राट के गणतंत्र के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। जूलियस सीजर के बारे में बता चुका हूँ। इनके समय रोमन सम्राट ने कितना विकास किया, वहाँ उन्होंने कैसा शासन किया, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। रोमन सम्राट की स्थापना के बारे में आपको बता चुका हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रोमन सम्राट के पतन के कारण। ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि अब तक विश्व में अनेक सम्राट हैं और वे समाप्त भी हुए। विश्व का क्रम इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि विश्व में कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं रहती है। रोमन सम्राट का पतन भी सत्यता का परिचारक है। प्रत्येक सम्राट के पतन के कुछ न कुछ कारण होते ही हैं। रोमन सम्राट के पतन के भी अनेक कारण थे, जिनके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। रोमन सम्राट के पतन के जो मुख्य कारण थे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रोमन सम्राट के पतन के प्रमुख कारण, पहला है रोमन सम्राट की विशालता, दूसरा है सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति, तीसरा है सम्राटों का निरंकुश होना, चौथा है उत्तराधिकारी का कोई निर्धारित नियम ना होना, पांचवा है शासकों की अयोग्यता, छठवां है शोचनीय आर्थिक स्थिति, सातवां है सामाजिक असमानता, आठवां है बाहरी आक्रमण। ये है रोमन सम्राट के पतन के कारण। रोमन सम्राट की सामाजिक संरचना, रोमन सम्राट की सामाजिक संरचना कैसी थी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ उच्च वर्ग अथवा जो संपन्न वर्ग होता है, धनी वर्ग होता है, अभिजात वर्ग होता है, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग। रोमन की सामाजिक संरचना में जो विधिक श्रेणियाँ विद्यमान थी, रोमन सम्राट के अंतर्गत समाज प्रमुख रूप से इन तीन वर्गों में विभाजित था। पहला है उच्च वर्ग अथवा अभिजात वर्ग। रोमन सम्राट के अंतर्गत जो संपन्न वर्ग को उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता था, इस वर्ग में मुख्य रूप से सीनेटर और आश्वरोही वर्ग के लोग सम्मिलित थे। समाज में इस वर्ग का स्थान अग्रणी था। इस वर्ग के लोग अपने व्यवसायिक हितों के कारण इटली के अतिरिक्त अन्य प्रांतीय शहरों में बसे हुए थे। इस वर्ग के लोगों को अपने शहरों में न्यायिक और धार्मिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस वर्ग के लोग सेना में भी उच्च पदों जैसे सेना नायक पर नियुक्त किए जाते थे। रोमन सम्राट के अंतर्गत राज के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने तथा इक्ट्रेशियन घुड़सवार का दर्जा प्रदान करने की प्रथा प्रचलित थी। घुड़सवार का दर्जा प्राप्त लोग सम्राट के प्रति निष्ठावान होते थे। सम्राट इन लोगों को प्रशासन और सेना के पदों पर नियुक्त करते थे। दूसरा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में प्रशासन और सेना की सेवा में जुड़े हुए आम लोग सम्मिलित थे। इस वर्ग में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध व्यवसायी और किसान भी सम्मिलित थे। इस वर्ग में बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे।
इतिहासकार टेटिटस ने इस सम्माननीय माध्यम वर्ग को महान सीनेट ग्रहों के आश्रित के रूप में वर्णित किया। इस वर्ग के लोग प्रमुखतः सरकारी सेवाओं पर ही निर्भर रहा करते थे। तीसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग वो होता है जो गरीब होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत निम्न वर्ग बहुसंख्यक था, जिसे सामूहिक रूप से होमी लियोरिस कहा जाता था। इस वर्ग के इतिहास में टेटिस का कथन है कि वे कमीन कारू थे, जो सर्कस, थिएटर और तमाशे देखने के आदि थे। इस वर्ग में ग्रामीण श्रमिक सम्मिलित थे। इनमें से बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी बड़ी जागीरों में काम करते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग औद्योगिक एवं खनन प्रतिष्ठानों में भी काम करते थे। अनाज और जैतून की फसल कटाई तथा निर्माण उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति भी इसी वर्ग के द्वारा की जाती थी। इस वर्ग के लोग स्वनियोजित शिल्पकार थे। ये लोग मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा बेहतर खाते पीते थे, अर्थात इनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। सामाजिक विषमताएं। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत समाज में व्यापक विषमताएं विद्यमान थी। समाज में अभिजात और मध्यम वर्ग के लोग अतुल धन संपत्ति के स्वामी थे, जबकि निम्न स्तर के लोग गरीब थे और गरीबी के कारण उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से परिपूर्ण था। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन के उच्च व मध्यम वर्ग के लोगों के पास अतुल संपदा थी। इन लोगों को वेतन के रूप में अपनी आमदनी का भाड़ा भूभाग क्षेत्रों को खरीदने में लगाया करते थे। पांचवी शताब्दी के एक इतिहासकार ओलिपिंडी ओरस ने इस वर्ग की अतुल धन संपदा पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों अपनी संपदाओं से 4000 पाउंड सोने के बराबर वार्षिक आय होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपयोग वह सीधे कर रहे थे। विशाल आमदनी के स्रोतों से रोम के उच्च घरानों में से प्रत्येक पास वैसा कुछ था जो एक मध्यम आकार के शहर में होता था, जैसे एक हिप्पोड्रोम अर्थात घुड़दौड़ का मैदान, अनेक भव मंच, मंदिर, फुहारे, विभिन्न प्रकार के स्नान गृह आदि। इस वर्ग के लोग अनुचित माध्यमों से अपनी धन संपदा में वृद्धि करने में लगे रहते थे। वहाँ का पारिवारिक जीवन और महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक परिवार का प्रचलन था। वयस्क खुद अपने पिता के परिवार में नहीं रह रहे थे। इसी तरह वयस्क भाई भी दूसरे भाइयों के साथ परिवार में रहना पसंद नहीं करते थे। रोमवासियों की परिवार की असाधारण के अवधारणा के अनुसार दास परिवार का अंग होते थे। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत विवाह समानतः परिवार द्वारा नियोजित होते थे। रोमन समाज में पुरुष का विवाह 28, 29, 30, 32 वर्ष की आयु में तथा कन्या का विवाह 16, 18, 22, 23 वर्ष की आयु में किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि रोमन समाज में पति पत्नी के बीच आयु का अंतराल होना माना जाता था। रोमन समाज में पति पत्नी के मध्य तलाक का प्रचलन था। तलाक की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी। तलाक के लिए पति अथवा पत्नी को केवल विवाह भंग की सूचना देना ही पर्याप्त माना जाता था। रोमन समाज की पितृ प्रधान था। परिवार में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, लेकिन उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक कानून अधिकार प्राप्त थे।
पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी अधिकार होता था। पत्नी अपनी संपत्ति का हस्तांतरण अपने पति को नहीं करती थी, पुत्री अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी और पिता की मृत्यु के बाद कानूनी रूप से वह उसकी स्वामी मतलब मालिक बन जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि रोमन समाज में महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि रोमन समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती थी। इस संबंध में महान कैथोलिक विशप अगस्टीन के विवरण से ज्ञात होता है कि उनके पिता उनकी माता की नियमित रूप से पिटाई करते थे और लगभग सभी पत्नियों को अपने पतियों की कूटा का शिकार बनाना पड़ता था। बच्चों, मैंने रोम साम्राज्य के पतन के बारे में आपको बताया है। रोम साम्राज्य में महिलाओं की कैसी स्थिति थी, उनको उत्तराधिकारी का अधिकार प्राप्त था, कानूनन प्राप्त था और उन पे अत्याचार भी होते थे। और आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर करिए। अभी आपका टेस्ट भी होना बाकी है, उस संबंध में मैंने पेपर आपका बना लिया है और आगे आपको टेस्ट का पेपर दिया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा।